जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अवतार श्री 7054 में। आज का टॉपिक दोस्तों लेकर चलेंगे, हिंदी साहित्य संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। इसी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदी साहित्य, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। पहला दोस्तों हिंदी साहित्य आदिकाल, आदिकाल की समय सीमा की अगर बात करते हैं तो 1050 ईस्वी से 1375, ठीक है दोस्तों। आज भक्ति काल बात करते हैं, भक्ति काल की तो क्या 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल की समय सीमा की बात करेंगे तो 1700 से 1900 ईस्वी तक। और बात करते हैं दोस्तों आधुनिक काल, आधुनिक काल की बात करते हैं तो 1900 ईस्वी से अब तक हमारा क्या चला आ रहा है, आधुनिक काल, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि, आदिकाल के प्रमुख कवि जान लेते हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन है, ठीक है दोस्तों। आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आदिकाल के नामकरण करने वाले लेखक, नामकरण दोस्तों बहुत ही अधिक बोला जाता है। कौन सा नाम आदिकाल को किस नाम से किसने पुकारा या कहा है, ठीक है दोस्तों, इस बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी की बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, आदिकाल किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, किसे दोस्तों, आदिकाल को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है, ठीक है दोस्तों। राहुल संस्कृत्यान की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है दोस्तों, सिद्ध सीमांत काल कहा है। आगे बात करते हैं गणपति, किसकी, गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या, आरंभिक काल कहा है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को इन बातों को याद रखना है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मिश्र बंधु, किसकी, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु ने दोस्तों आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज बप्पन काल कहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं जॉर्ज गियरसन की, तो इन्होंने आदिकाल को दोस्तों क्या, चारण काल कहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को नोट कर लेना है कॉपी में और इस बात को ध्यान रखना है किसने आदिकाल को क्या कहा है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अमीर खुसरो, क्या दोस्तों, अमीर खुसरो ये भी हमारे आदिकाल के ही थे। खालिक, क्या दोस्तों, खालिक वारी हालात ए कन्हैया नजरान, नजराने हिंद, ये किसने दोस्तों कहा है, अमीर खुसरो जी ने। पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, किसकी, पृथ्वीराज रासो ने दोस्तों क्या, चंद्रवरदाई। आगे बात करते हैं विद्यापति, तो क्या दोस्तों, पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोस्तों इनकी क्या है, रचनाएं हो जाती हैं। आगे बात करते हैं नरपति नलहा की बात करते हैं, इन्होंने क्या दोस्तों, नलहा बीसल देव रासो एक प्रेम कथा है, ठीक है दोस्तों, किसकी हो जाती है, नरपति नलहा की। आगे बात करते हैं जगनिक जी, तो क्या है, परमान रासो, महोबा के प्रसिद्ध आला उदल का वर्णन किसने किया है, जगनिक जी ने, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं भक्ति काल के कवि, जो भक्ति काल के कवि हैं उनकी बात करेंगे, क्या दोस्तों, गेरसन, गेरसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल किसने कहा है दोस्तों, गेरसन ने स्वर्ण काल कहा है भक्ति काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, ठीक है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। वह दोस्तों दो भाग हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, पहला हमारा क्या हो जाता है, सगुण काव्य धारा, पहला क्या हो जाएगा, सगुण काव्य धारा, दूसरा हो जाएगा निर्गुण काव्य धारा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हो गई, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं भक्तिकाल, भक्तिकाल संबंधित बात करेंगे तो भक्तिकाल में दोस्तों पहले हमने बताया था निर्गुण काव्य धारा, तो निर्गुण काव्य धारा की बात करते हैं तो उसमें हमारे क्या आते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा आती है, संत काव्य जिसे हम संत काव्य कहते हैं और प्रेमाश्रय शाखा, ये किसमें आती है, निर्गुण काव्य धारा में। अब बात आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब बात करते हैं किसकी, सगुण, सगुण काव्य धारा की, तो इसमें क्या, कृष्णाश्रय शाखा आता है और रामाश्रय शाखा आता है, इसमें क्या है दोस्तों, सूफी काव्य है ये। इतनी बात क्लियर हो गई, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कबीर,
किसकी दोस्तों? कबीर जी की। कबीर जी की क्या? वीजक, साकी और सबद्रमेनी, ये किसकी है? कबीर दास की। कबीर दास की अगर दोस्तों भाषा की बात करते हैं तो इनकी क्या पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। ठीक है दोस्तों, पंचमेल की खिचड़ी की बात करते हैं तो किसने कहा? राहुल सत्यान जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास की रचना क्या? सूर सागर, सूरसावली। ठीक है दोस्तों, साहित्य लहरी एक किसकी होते हैं? सूरदास की। मलिक मोहम्मद जायसी की, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी दोस्तों परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है वही हम आपको कराएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई की बात करते हैं तो नरसिंह जी का मायरा, ये किसका है? मीराबाई का। गीत गोविंद टीका, ये भी मीराबाई। राग गोविंद, राग सोरठा के पद, ये किसके हो जाते हैं? मीराबाई के हो जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रहीम, किसके? रहीम दास की। तो रहीम दास की रहीम दोहावली, रहीम सोरठा और दोस्तों वरवे नायिका, ये किसकी होते हैं? रहीम। रसखान की बात करेंगे तो रसखान की क्या है? प्रेम वाटिका, सूजन रसखान, ये किसकी? रसखान की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रैदास जी की। ये दोस्तों सभी के सभी किसमें? भक्ति काल में आते हैं। पदगुरु ग्रंथ साहिब, पदगुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, ये किसके हैं? रैदास जी के। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं तुलसीदास, किसकी दोस्तों? तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास के क्या? वरवे, रामायण, रामलला नछऊ, दोहावली, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है दोस्तों, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये किसके हैं? तुलसीदास जी के। वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, ये दोस्तों किसकी हो जाती है? सभी की सभी तुलसीदास की हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि, किसके दोस्तों? रीतिकाल के प्रमुख कवि। अब आते हैं रीतिकाल पे। रीतिकाल के प्रमुख कवि दोस्तों हमारे कौन कौन से रहते हैं? केशव दास। तो केशव दास की अगर रचना की याद करते हैं तो रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है दोस्तों, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये किसके होते हैं? केशव दास जी के। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बिहारी लाल, ये भी रीतिकाल के हैं, तो इनकी क्या हो जाती है? बिहारी सत्सई हो जाती है। और दोस्तों घनानंद, घनानंद की बात करते हैं तो इनकी सुजान सागर हो जाती है, सुजान संबोधन, रस, रसकेली, वल्ली, कृपा कांड, ये किसकी हो जाती है? घनानंद की। घनानंद की ये भी दोस्तों किसके हो जाते हैं? रीतकाल के प्रमुख कवि हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं पद्माकर, ठीक है दोस्तों, तो इनकी रचना क्या आती है? जगत विनोद, ठीक है, राम, राम रसायन, गंगा लहरी, पद्मावरण, प्रबोध 50, ये किसकी हो जाती है दोस्तों? पद्माकर की। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं भूषण की। भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण हो जाती है, शिवा वाबनी, सेनापति कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्प मृद्युम। अब बात करते हैं दोस्तों भिखारी दास की, इनकी भी रचनाएं दोस्तों बहुत ही बुझी जाती हैं, तो क्या हो जाती है? काव्य निर्णय, रस निर्णय, ये किसकी बात है? भिखारी दास की। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत दोस्तों कौन आता है, कौन कौन से युग आते हैं वो बताएंगे और उनकी समय सीमा भी बताई जाएगी। अब बात करते हैं आधुनिक काल की, आधुनिक काल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसमें हमारी क्या क्या आता है? देखिए भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की अगर हम बात करते हैं, भारतेंदु युग हमारा कब से कब तक चला? भारतेंदु युग चला 1850 से 1900 तक, हमारा क्या चला? भारतेंदु युग। और द्विवेदी युग की अब बात करेंगे, द्विवेदी युग हमारा चला 1900 से 1920 तक, द्विवेदी युग चला। आगे दोस्तों बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे किसकी? छायावादी युग, छायावादी युग हमारा चला 1920 से 1936 तक। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रगतिवाद, प्रगतिवादी युग की बात करते हैं तो ये 1936 से 1943 तक चला। प्रयोगवाद, प्रयोगवादी युग ये हमारा चला 1943 से 1950 तक। आगे बात करेंगे नई कविता, जो नई कविता है ये हमारी कब से कब तक चली? 1950 से अब तक क्या चल रहा है? नई कविता। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं भारतेंदु युग के कवि, भारतेंदु युग के कवि जान लेते हैं, जो भी प्रमुख कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमारे कौन रहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचनाएं क्या होती है? प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, ये किसकी होती है? भारतेंदु की। अंबिका दत्त की बात करते हैं, अंबिका दत्त व्यास की, तो भारत, भारत धर्म, पावस 50, ये किसकी हो जाती है? अंबिका दत्त की। जगमोहन सिंह की बात करेंगे तो देवयानी, श्याम सरोजनी, ये किसकी हो जाती है? जगमोहन की। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं राधाचरण गोस्वामी जी की, तो क्या हो जाती है? नव भक्तमाल, ये किसकी हो जाती है? राधाचरण गोस्वामी की। आगे बढ़ेंगे
अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों प्रथम में हमारे कौन आते हैं, मैत्रीसंग गुप्त। इनकी रचनाएं प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत अधिक परीक्षा में आती हैं, तो इनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान देना है। तो कौन सी आती है, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, ये किसकी बात है, मैत्रीसंग गुप्त जी की। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं, क्या हो जाती है, हिमकिट रेटनी, ये हो जाती है किसकी, और हिम तरंगणी, युगचरण समर्पण, ये किसकी होती है, माखनलाल चतुर्वेदी की। तीसवें दोस्तों हिम तरंगणी जो है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार परीक्षा में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करते हैं तो काव्य, काव्य मंजूषा हो जाएगी सुमन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की बात करते हैं तो प्रिय प्रवास, वेदेही वनवास, रसकलश, ये किसकी हो जाती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद के प्रमुख कवि हमारे कौन है, जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं क्या, चित्रधार, करुणालय, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक और झरना, कमायनी, ये किसकी हो जाती है, जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। तो पंत जी की रचनाएं क्या है, वीणा हो गई, गुंजन, उच्छ्वास और पल्लव, ये किसकी हो जाती है, सुमित्रा नंदन पंत जी। और भी हैं वो आपको ध्यान भी होंगी, ये जो याद नहीं कर पाते हैं वही हम कराते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करते हैं तो क्या, अलिमा, अनामिका और तुलसीदास, ये किसकी हो जाती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करते हैं, रसिम, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा, ये किसकी हो जाती है दोस्तों, महादेवी वर्मा की। राम कुमार वर्मा की बात करते हैं, चित्रलेखा, आकाशगंगा, ये किसकी हो जाती है, राम कुमार वर्मा जी की। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, प्रगतिवादी कवि। प्रगतिवादी कवि हमारे कौन है, तो कौन हो जाते हैं, नागार्जुन। इनकी रचनाएं क्या होती है, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पतराई आंखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या ये रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, प्यासी पतराई आंखें। सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करते हैं, युगवाणी, ग्राम्या, ठीक है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं, कुकुरमुत्ता और केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचनाएं, फूल नहीं रंग बोलते हैं नींद के, ठीक है दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये भी इन्हीं की है, और नींद के बादल, ये भी किसकी है दोस्तों, केदारनाथ की। आगे बात करेंगे शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचना क्या हो जाती है, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया, हिल्लोल, क्या दोस्तों, हिल्लोल, ये भी किसकी हो जाती है, शिवमंगल सिंह सुमन की। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं प्रयोगवादी कवि की। प्रयोगवादी कवि हमारे कौन हो जाते हैं, अज्ञेय, अज्ञेय जी हो जाते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सल, अज्ञेय, ठीक है दोस्तों। तो इनकी पहली रचना क्या, इंत, इत्यलम, इत्यलम हो जाती है, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, ठीक है दोस्तों, हरी घास पर, छड़वर, ये भी किसकी होती है, अज्ञेय की हो जाती है। धर्मवीर भारती की अगर हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो अंधायुग, कानुप्रिया, ठंडा लोहा, भारत भूषण अग्रवाल और अप्रस्तुत मन, ये भी किसकी हो जाती है, धर्मवीर भारती की। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इनकी रचना क्या, चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत बार आ चुकी है, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी किसकी है, मुक्तिबोध की। पहली बार दोस्तों ये रचना बहुत ही बार बूझी जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सर्वेदयाल सक्सेना, किसकी, सर्वेदयाल सक्सेना की रचनाओं की बात करते हैं, बांस के पुल, एक सोनी नाव, नरेश मेहता की रचनाएं क्या हो जाती है, संशय की एक रात, वन पाखी और संशय की एक रात, नरेश मेहता की। गिरजा कुमार माथुर, तो क्या हो जाती है, शीला पंख, चमकीले, ठीक है दोस्तों, नाश और निर्माण, ये भी किसकी हो जाती है, गिरजा कुमार, धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर की हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आप दोस्तों नई कविता, नई कविता की अगर हम बात करते हैं तो क्या, भवानी प्रसाद मिश्री जी हो जाते हैं, क्या, सन्नाटा, गीत गीत फरोश, चकित हैं, ये किसकी हो जाती है, और दुख, ये किसकी दोस्तों हो जाती है, ये हमारी हो जाती है भवानी प्रसाद मिश्र, और रचनाकार कौन है, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं
कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।